नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित वीडियो श्रृंखला में हिंदी साहित्य सुपरफास्ट वन लाइनर का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य सुपरफास्ट वन लाइनर। सबसे पहला प्रश्न है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है भारतेंदु युग को। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? कई बार ये प्रश्न जरूर आ जाता है कि जो द्विवेदी युग है उसकी शुरुआत किस, उनके प्रवर्तक कौन थे? ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है भाग्यवती। और भाग्यवती जो उपन्यास था, ये सरदाराम फिल्लौरी जी द्वारा लिखा गया था 1888 में। अगला प्रश्न है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस रूप में मानी जाती थी? तो उसे 1950 से पहले प्रयोगवादी कविता, हिंदी कविता मानी जाती थी, और प्रयोगवाद से पहले प्रगतिवाद था, ये आप सभी को पता होगा। ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? तो ब्रजभाषा के सर्वोत्तम कवि सूरदास जी हैं। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो आदिकाल के बाद हिंदी साहित्य में भक्ति काल का, यानी भक्ति साहित्य का उदय हुआ था। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि, तो आप सभी को पता कि दो प्रकार की भक्ति है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, और निर्गुण भक्ति के प्रसिद्ध कवि हैं कबीरदास जी। अगला प्रश्न, किस काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भक्ति काल को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भक्ति काल को। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि यानी प्रथम कवि माना जाता है स्वयंभू को। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है, यह प्रश्न है, और यह है सन 1900 से अब तक। आधुनिक काल यानी 20वीं सदी के शुरुआत से माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की श्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो उनकी एक पुस्तक है कामायनी, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है कामायनी। अगला प्रश्न है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? कवि बिहारी हुए हैं और उन्होंने किस प्रकार के साहित्य की रचना की है? तो उनका जो साहित्य था वो दोहों के रूप में था, तो बिहारी जी के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। कबीर किसके शिष्य थे? ये प्रश्न दो प्रकार से पूछ लिया सकता है कि कबीर के गुरु जी का क्या नाम था, तो रामानंद जी, और कबीर किसके शिष्य थे, इसका भी नाम रामानंद जी है। पद्मावत महाकाव्य की काव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? जो जायसी द्वारा जो पद्मावत लिखा गया था, तो पद्मावत का रचनाकार है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, और ये अवधी भाषा में लिखा गया था। चप्पू किसे कहा जाता है? जो गद और पद मिश्रित रचनाओं को चप्पू कहा जाता है। जब हम एक ही रचना में कुछ गद और पद का मिश्रण कर देते हैं तो उस रचना को हम चप्पू विधा की रचना कहते हैं। कलाधर उपनाम से कविता कौन कवि लिखते थे? तो जयशंकर प्रसाद जी बहुत कम, उन्होंने ज्यादातर उनके उपन्यास ही रहे हैं या फिर नाटक रहे हैं, कविता बहुत कम ही लिखी है, लेकिन कविता लिखी है कलाधर के उपनाम से। रसनिधि किस कवि को कहा, किस कवि का उपनाम है? तो रसनिधि जो उपनाम है वो पृथ्वी सिंह जी का है। प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का नाम, तो प्रेमचंद जी जैसे आप सब पता है कि कहानी और कथा सम्राट माने जाते हैं, बहुत सारे उपन्यास भी उन्होंने लिखे, और एक उपन्यास था मंगलसूत्र, और जब ये अधूरा ही था तो उनका स्वर्गवास हो गया था, तो ये मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास था। हिंदी का सर्वाधिक
प्रसिद्ध नाटककार कौन है? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटककार है जयशंकर प्रसाद जी। इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी कृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ये अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है तुलसी चरित रामचरितमानस में। अगला प्रश्न, एकांकी का जन्मदाता कौन है? तो धर्मवीर भारती जी को इनका एकांकी का हिंदी साहित्य में जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, मीरा भाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना मीरा भाई जी ने माधुर्य भाव से की थी, कहीं की सखा भाव भी आ जाता है। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? तो तुलसी जी की रचना ही है और तुलसी जी शांत रस के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो ये सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जाता है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने, पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, उनके राज दरबार के कवि थे चंद्रवरदाई जी, उन्होंने पहला महाकाव्य लिखा है पृथ्वीराज रासो के नाम से। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के सर्वाधिक जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था वो उत्तर मार्तंड था, ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। हिंदी साहित्य में सबसे पहले जो लिखी गई कहानी वो इंदुमती है और इसको लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। किसने लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखा है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक जो रचनाएं होती हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, यानी किसी अलग क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषताओं को लिए हुए जो रचना रची जाती है, जिसमें वहां की बोली का पुट हो, वहां के समाज के विशेषताओं को रेखांकित किया जाए, तो उसे आंचलिक रचनाएं कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, यानी हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के अंदर हिंदी साहित्य का बहुत विकास देखने को मिला था। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान संगुत्तलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये हिंदी अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है, पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो पद साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की है? तो कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर रक्त चंदन की रचना की थी। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो नाट्य शास्त्र जो रचनाकार थे उन्होंने विवत्स रस को अमान्य रस कहा था। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है, यानी आज जिसे हम काव्य शास्त्र कहते हैं उसका प्राचीन नाम अलंकार शास्त्र था। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रीति संप्रदाय के संस्थापक थे आचार्य वामन। अगला प्रश्न है, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, काव्य शास्त्र के हिंदी में प्रथम आचार्य माने जाते हैं केशवदास जी को। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो साहित्य शब्द बना है सहित शब्द से। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का जो प्रारंभ है वो भारतेंदु युग से हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी।
तो इसी के साथ आज की यह श्रृंखला समाप्त होती है। आशा करता हूं इससे आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।